दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आपको अभी तक जानकारी हो गया कि 24 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला था पंचायत चुनाव को, वह जारी हो गया। आप लोग को यह भी पता हो गया होगा कि कब आपका चुनाव है, तो हम आपको बता दें। अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको पूरी डिटेल से सब बात बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। अब जानते हैं विस्तार से क्या है पंचायत चुनाव की इस बार की व्यवस्था। तो इस बार ये होगा कि आपका जो चुनाव होगा यह EVM से कराया जाएगा, यानी कि जो 6 पद टोटल है पंचायत चुनाव के लिए, उसमें से 4 जो चुनाव होंगे, 4 पद पर जो चुनाव होगा वह EVM से कराया जाएगा। और EVM जो होंगे हर पद के लिए 4 पद है, जिसमें मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद और वार्ड मेंबर, इन सब के लिए अलग से एक EVM की व्यवस्था कराई जाएगी और वही EVM का अगले चुनाव में यूज हो सकता है। लेकिन 2 पद का जो चुनाव होगा, पंच और सरपंच, इसका चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा ही कराया जाएगा। तो सीधा सीधा ये है कि जो पहले चुनाव हो रहा था सिर्फ पंच और सरपंच में ही आपको बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव के बाद, बाकी सारे में आपका चुनाव जो होगा वह EVM के द्वारा, पहली बार EVM का प्रयोग किया जाएगा। तो जो EVM नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हैं, विधानसभा में चुनाव हुआ था 1 EVM का यूज किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं 2 EVM यूज हुए थे, लेकिन इस बार जो 4 EVM होंगी थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होगा। लेकिन जो कैंडिडेट हैं वह आपको अच्छी तरह से समझा दे। लेकिन जो अब चुनाव है, हम बात करते हैं मोहद्दीनगर खास करके और मोहनपुर प्रखंड, ये 2 प्रखंड का जो चुनाव होगा वह 12 दिसंबर को, यानी कि अंतिम चरण 11वें चरण में मोहद्दीनगर प्रखंड और मोहनपुर प्रखंड का कराया जाएगा। इसमें वो सारे नियम होंगे जो पहले थे और कुछ अपडेट किए गए हैं नियम, जैसे नामांकन का प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी आप नामांकन इस बार से कर सकते हैं। आपको कोरोना का गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और 15 दिन का प्रचार प्रसार करने के आपको समय दिया जाएगा। और यह नामांकन जो होगा, यानी कि 24 नवंबर के आसपास, 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका नामांकन करा लिया जाएगा और तब से आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अंतिम चरण वाले के लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि अभी से, यानी कि 24 अगस्त से ही लगातार वह अपने प्रचार की गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। इस बार कैंडिडेट 2016 में जो कैंडिडेट की संख्या थी, जिससे उससे अनुमानन 20% कैंडिडेट की संख्या बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है कि 2016 में जितने कैंडिडेट थे उससे 20% अधिक इस बार कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं पंचायत चुनाव में। ये अभी की खबर है कि हर पंचायत, हर वार्ड, क्योंकि वार्ड मेंबर की संख्या इस बार हर वार्ड से बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यह खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे पंचायत चुनाव से संबंधित है कि मोहद्दीनगर और मोहनपुर प्रखंड में किस प्रकार से और कब चुनाव होंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।